हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम फोटोशॉप में मैंने आपको देखिए मूव टूल्स, ये मैग्नेट, ये क्या होता है मार्क्यू टूल्स और ये मैजिक वन टूल के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लॉसो टूल से बताते हैं। लॉसो टूल में मैंने आपको ये बता दिया, लॉसो टूल के बारे में बता दिया था और प्लोमियर लॉसो टूल्स और मैग्नेटिक लॉक टूल के बारे में बाकी था। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम इन दोनों को भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनको ये लॉसो टूल होते हैं और इनका काम होता है कट करना, यानी कि किसी फोटो को कट करके किसी जगह पर क्या करना, रखने के लिए, मूव कराने के लिए। तो इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे और इमेज लेने के लिए मैं क्या बोलता है आपको, मैं आपको बताया था कि इमेज लेने के लिए मैं आपको बताया था कि हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद कहाँ चले जाएंगे, ओपन में। ओपन में या इसका शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ आप भी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल के साथ ओ जैसे प्रेस करेंगे आपका ब्राउजर ओपन हो सकता है। अगर वो नहीं हो पा रहा इसका आपको, वैसे आपके पास आपके कंप्यूटर में नहीं हो पा रहा है, तो आपके क्या माउस की मदद से आप फाइल पर जाइए, फाइल मेनू पर जाइए और इस पर क्लिक करके ओपन फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब यहाँ पर हम देखते हैं हम अपनी जो इमेज क्रिएट डाउनलोड करके जहाँ रखे रहेंगे हम अपनी इमेज को ले लेंगे। जैसे कि मानिए मैं एक इमेज ये ले रहा हूँ, ठीक है, और एक इमेज कौन सा ले रहा हूँ, एक और इमेज ले रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैं एक इमेज और ले रहा हूँ ये, ठीक है, हम दो इमेज ले लेते हैं। अब आ जाइए, हम दो इमेज लेने का मतलब उद्देश्य ये था हमारा कि हम इसमें देखिए लॉसो टूल कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है हम इस पिक्चर को क्या करेंगे, कट करेंगे, इस इमेज को क्या करेंगे, कट करेंगे इसी लॉसो टूल की मदद से कट करके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला कर रखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको बताया था कट करने के लिए क्या बताया था, कि पहला मैं आपको बताया था लॉसो टूल। लॉसो टूल में मैं बताया था कि लॉसो टूल का उपयोग करना ही बहुत ही कठिन होता है। कठिन किस लिए बताया था मैं, क्योंकि ये कठिन इसलिए बताया था कि लॉसो टूल जो होता है इसकी उपयोग करने से हम क्या करेंगे, जो इसका माउस अच्छे से चलाना आता वही इसका प्रयोग पड़ेगा, क्योंकि इसको एक बार अगर हम क्लिक कर देंगे तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक किए रहना है और ट्रिप ड्रॉ करते हुए चला जाना है और अच्छे से और जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा क्रैक्स हो जाएगा और क्या होगा, हमारा सिलेक्ट जहाँ तक जाएगा वहीं से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया था कि ये लॉसो टूल का प्रयोग वही कर पाएगा जो अच्छे से क्या होगा, माउस चलाना आता हो जिसको। देखिए ऐसे, ठीक है, मैं आपको बताया था ना, यहाँ एक बार हम इस पर माउस पर क्लिक करेंगे और ऐसे करके धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसके साइड साइड से चलते चलिए। मैं आपको बताया था अगर यहाँ पर आ जाइए नीचे, इसके फोटो को मानिए जूम किए हैं हम, कंट्रोल प्लस से जूम किए हैं, और कि जूम इसलिए करते हैं ताकि हमको अच्छे से दिख पाए, हम अपने फोटो को क्रॉप कर पाएँ। अब इसको नीचे लाने के लिए क्या बताता है मैं आपको, इसके नीचे लाने के लिए मैं बताया था कि आप स्पेस की जो होती है इसको प्रेस कीजिए, ऐसी हाथ की तरह पॉइंटर सिंबल आएगी और उसके थ्रू आप नीचे ड्रॉ करके खींच कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसके बाद बैक, देखिए यहाँ पर चला गई ना, उसको बैक जाने के लिए क्या करेंगे हम, बैक जाने के लिए आप बैक जाने के लिए कंट्रोल के साथ डिलीट की, क्या कंट्रोल के साथ डिलीट की, नहीं हो रहा। मैं देखिए बता रहा था ना, अगर ये इधर उधर हो जाएगा तो ये तुरंत क्या होगा, वो चला जाएगा। इसलिए मैं आपको बताया था कि इसको उपयोग, इसका उपयोग लॉसो टूल का जो उपयोग यानी यूज वही कर पाएगा जिसको माउस अच्छे से चलाना आती हो। देखिए यहाँ छोड़ा ना, तुरंत सेलेक्ट किया, यहाँ से आप छोड़ेंगे वो तुरंत सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो लॉसो टूल का प्रयोग कौन कर पाएगा, जिसको माउस अच्छे से चला नहीं आती है वही लॉसो टूल का प्रयोग कर पाएगा, यानी जो माउस अच्छे से नहीं चला पाएगा वो लॉसो टूल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए, और लॉसो टूल का प्रयोग करने का मतलब ये है कि ये जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मानिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको जाकर लहाँ पर इंड कर दिए, मानिए यहाँ से इतना मुझे कट करना है, तो इसे ऐसे लाएंगे और जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पर ला कर हम इसको छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। अब इसको मूव टूल से हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, जितना मैंने कट किया हट गया कि नहीं हट गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। मैं अब इसलिए ये सिलेक्शन हो गया है ना, यानी जो कट किया सिलेक्शन हो गया, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं आपको सर क्या बताया था आपको, कंट्रोल प्लस डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी इसका सिलेक्ट शॉर्टकट भी बताया था। अब आ जाइए नीचे, लॉसो टूल के बारे में आपको मालूम चल गया होगा, आपको मैं लॉसो टूल के बारे में बता दिया, इसका टाइम, इसे बहुत टाइम लगता है काम में, इसको यूज़ करने में, तो जिसको अच्छे से माउस चलाना आता होगा वही इस काम कर पाएगा,
ठीक है। अब आ जाइए प्लोमियल लासो टूल। ये प्लोमियल लासो टूल क्या होता है, प्लोसियम लासो टूल ये होता है, ये राइट है, ये एंगल बना बना के कट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसे एंगल बना बना के ये कट करता है। देखिए कैसे करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ से क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम डायरेक्ट मार दें यहाँ पर, आदि यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर इतना कट करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से इतना, ठीक है। ऐसे एंगल देखिए अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग एंगल कट करके, अपने अकॉर्डिंग एंगल बना बना के कट कर सकते हैं। नीचे लाने के लिए स्पेस की प्रेस करेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए देखते जाइए कैसे कट कर रहे हैं हम, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे अच्छे से कट कीजिएगा, ठीक है। इसे हम फिल्म में वीडियो बना रहे हैं आपको, तो हम आपको जल्दी जल्दी कर दिखा देते हैं, गलती हो जाएगी तो उसके आप लोग अपने फोटो क्रॉप करते समय आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से क्रॉप कीजिएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ बता रहे हैं प्लोमियल लासो टूल्स, देखिए ये बहुत ही आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि इसके आप राइट एंगल बना बना के आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, राइट एंगल बना बना के सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, किसी भी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। और लासो टूल क्या था, लासो टूल आपका क्या था, लासो टूल आपका बहुत ही कठिन था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रयोग करना जिसको माउस असिस्ट चलाना आता वही कर पाएगा। क्यों कर पाएगा, क्योंकि लासो टूल अगर इधर उधर गया आपको दिख रहा है थोड़ा से अगर भी डिफरेंस होगा तो वो अलग सेलेक्ट कर लेगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको सिर्फ दिखा देते हैं, ठीक है। जो भी हम क्रॉप करते हैं उसको साइड साइड से धीरे धीरे हम क्रॉप कर लेते हैं, जितना अच्छे से आप लोग क्रॉप कीजिएगा हम आपको फिर सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे करते हैं, राइट एंगल बना बना के आप क्रॉप कर लीजिएगा। हम फिलहाल में टाइम नहीं है इसलिए हम कट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे जो भी चीज़ है एकदम अच्छे से कट करते जाइएगा और इसको कट करके क्या कीजिएगा, आ जाइए नीचे स्पेस लाने के, अब नीचे लाने के भी क्या करेंगे, स्पेस की कई प्रयोग करेंगे, स्पेस जाइए वैसे पॉइंटर आएगा और इसके थ्रू हम क्या करेंगे अपने ड्रॉ करके नीचे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पर हम क्या करेंगे ला के इसको कर देंगे। देखिए सिलेक्ट हो गया ना, हो गया कि नहीं सिलेक्ट, हो गया सिलेक्ट ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब लेने के लिए अब इसको यहाँ पर ला कर रखने के लिए, यहाँ पर ला कर रखना था ना। अब देखिए कट करने के बाद क्या करेंगे, इस मूव टूल का प्रयोग करेंगे और इस फोटो को क्या करेंगे कट करके यहाँ पर ला कर रख देंगे। देखिए कट करने का मतलब कट हो गया था, मूव टूल्स का प्रयोग किया और यहाँ पे मूव टूल पे मैंने लेफ्ट की को क्या किया प्रेस किया, दबाए रखा और इसको क्या किया ड्रॉ करके यहाँ पर ला कर रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हटा दीजिए, अब इसको क्या कर दीजिए मैक्सिमाइज कर दीजिए। अब देखिए ये दिख रहा होगा कि वो जो फोटो जो है इस लेयर के साइज से बहुत बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करेंगे, किसका कंट्रोल प्लस टी करेंगे और कंट्रोल प्लस टी करके देखिए ऐसे ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से हम उस फोटो को क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हैं। देखिए आपको जैसे रखना है वो छोटा करके आप रख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप इस लेयर के साइज से छोटा कर दीजिए और रख दीजिए, लेयर के साइज से क्या कर दीजिए छोटा करके क्या कर सकते हैं आप रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर रखने के बाद और छोटा करना है तो आप और छोटा कर सकते हैं, और छोटा करके क्या कर दीजिए इसको रख दीजिए, लेयर को आप रख दीजिए, ठीक है। आप लेयर को रख के यहाँ से इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, जहाँ आपको रखना है वहाँ पर अच्छे से रख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ रखना है, यहीं पर रखना है मान लीजिए, और यहाँ पर क्या कर देंगे ओके कर देंगे। दिखा कर नहीं दिखा, आपको दिखा ना एकदम अच्छे से, कंट्रोल प्लस प्लस करके इसको बड़ा कर लीजिए, दिख रहा है कितने अच्छे से हम लोग कट करके ला कर दिए। देखिए इसका बैकग्राउंड में जो दिख रहा है या आप अच्छे से कट करेंगे तो उसका बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। देखिए ऐसे कट करके आप अपनी भी फोटो को कहीं भी ला कर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्लोमियल लासो टूल्स का, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे क्या है आपका मैग्नेटिक लासो टूल्स है, ठीक है। इस मैग्नेटिक लासो टूल को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इतना आप प्रैक्टिकल कीजिए और देखिए क्या आपका लासो टूल और प्लोमियल लासो टूल में कौन सा बेहतरीन है और किसके उपयोग से अच्छे से कट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कट करके कोई भी फोटो ला कर रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे के वीडियो में इसमें एडिटिंग करना, यानी कि ये मैग्नेटिक लासो टूल का प्रयोग करना और ये जो तीन ऑप्शन आपको जो दिख रहे हैं इसके बारे में हम आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सबका धन्यवाद और जय हिंद।